सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार मस्त वाली मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट करके अभी बाहर निकले हैं और यार यहाँ पे हवा चल रही है, धूप भी निकल रही है ना, तो रात में जितनी ठंड थी ना अभी वो लेवल अप हो गई है। और बढ़िया वाले नज़ारे यहाँ पे अभी भी सामने हमारे। ये कुछ ज़्यादा फोटोज हमने ले लिया था। अगर पहली बार देख रहे हैं तो भाई ये हमारी लद्दाख की ट्रिप चल रही है, जिसमें हम लेह से घूम करके पेंगोंग में आए। और यहाँ से आज का जो हमारा प्लान है ना वो है हल ले जाने का। रेडी हो रहे हैं, सामान वगैरह सब फैला पड़ा है। ये हमारा कुछ रूम था कल रात का, ताकि मैं तो हो गया था भाई रेडी। अब ये दो लोग मेरे संग वाले हैं, ये लोग पता नहीं, मैं सुबह का रेडी हूँ 7 बजे का। शुरुआत करते हैं अपनी इस अमेजिंग जर्नी की, जो कि रहेगी हल्ले तक 200 किलोमीटर। सामने के नज़ारे वाओ, और इधर अपनी पेंगोंग लेक। जब इस रोड पर आप चलते चलोगे ना, साइड में आपकी पेंगोंग लेक साइड में आपकी चलती रहेगी यहाँ पर। अगर आप पेंगोंग लेक के अंदर नेटवर्क सोच रहे हैं तो नेटवर्क यहाँ पे ना आपको ना जियो का थोड़ा सा कम मिलेगा। एयरटेल अगर आप ला सकते हो एयरटेल लेकर के आना, क्योंकि एयरटेल हल्ले में भी बता रहे हैं तो एयरटेल ही चल रहा है। 4-5 दिन के बाद हमारे जो हैवी ड्राइवर हैं गाड़ी के, जो मेन जिनकी मोटिवेशन हमारे, वो ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं। गाड़ी अब चल नहीं रही, उड़ा रहे हैं। All work, no pleasure. I ain't here to make friends. Big stepper, hey. Bad guy, Heath Ledger. Ready for wherever. I'll be front and center. Don't fly too. अपनी पेंगोंग लेक को बाइक करने टाइम आ गया। ये लास्ट यहाँ तक दिख रही है। उसके बाद हमें दिख रहा है सीधा रास्ता, जो कि पेंगोंग लेक अब यहाँ से खत्म। काफी किलोमीटर लंबी चलती है यार ये। सामने का नजारा देखो यार, क्या सही है ना। came in arrogant but left out in the stretcher. Fuck the comparison, y'all know y'all couldn't replicate it. Chilling in the desert, I'm good on the. ये रोड है क्या? कहाँ जा रहा है? इधर ही जाना है, राइट? इधर आपने लगा रखा है क्या? ऐसे कहीं भी हो गया यही रोड होगा, राइट में जा रहा है भाई। दिशा यही है। आप लोग पूछ लेते हैं एक मिनट भैया, हानले के लिए हानले इसमें भी जा सकता है ऐसे? और कौन सा रास्ता है? और कौन सा है? जो पीच वाला रास्ता है ना, वो उधर से घूम के जाता है, लेकिन आप यहाँ तक आ गए तो इसमें जाके उधर से फिर मिल। अच्छा, वो इनोवा जा रही है वाली? तो भाई अभी अच्छी रोडों का मामला खत्म है और अभी थोड़ा सा इस तरह का पैच आ गया है। भाई यहाँ पे आप जब भी आओ ना यार, तो गूगल मैप का ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपको नेटवर्क तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी। अरे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। आगे अपना रजांगला मेमोरियल, हाँ इधर जाना है। रजांगला मेमोरियल 13 कुमाऊं। हजारों नदियाँ। गाड़ी को लगा दिया है पार्किंग पर और ये है भाई यहाँ पे मेमोरियल। अंदर जब चलेंगे यहाँ पे कैफे भी है, साथ में आपके ना यहाँ पे गाइड भी चलते हैं। तो वापस जा रहे हैं, बुलाया है वापस। अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, एक कोई गाइड आएंगे यहाँ पे आर्मी के, वही हमें अंदर लेके जाएंगे, जो बताएंगे यहाँ के बारे में। तो हवा ना बहुत ज़्यादा तेज है। सही किया आपने, आज एक पहली उड़ी बैंकर, बहुत तेज हवा, बहुत ज़्यादा तेज। अभी हम 16,000 फुट की हाइट पर हैं इस समय यहाँ पर। तो हमने जो है अभी उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा अभी एक ग्रुप आ जाएगा ना पूरा, तो आप थोड़ा चल के यहाँ पे वापस आ जाना, तब तक आप थोड़ा आगे घूम लो। तो अभी यहाँ पर अपन अंदर आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाली तेज हवा है यहाँ पर। ये मेमोरियल है अपना यहाँ पर स्मारक, और यहाँ पर कुछ और दिखाते हैं मूवी वगैरह कुछ। ओके, अहीर राम जी स्मारक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह जो स्मारक सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान 13 कुमाऊं की 40 कंपनी के शहीद हुए 114 जवानों की शहादत की याद को ताज़ा रखने के लिए अगस्त 1963 में 13 कुमाऊं द्वारा बनाया गया। जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए।
तो यार ये अपना रजाकला मेमोरियल था यहाँ पर। यहाँ पर ना एक वीडियो पूरा दिखाया गया, 13 मिनट का था वो। सारी जानकारी दी गई उसके अंदर कि कैसे रजाकला को जो यहाँ पे जो धुआं और मेजर शैतान सिंह के बारे में बताया गया, उनकी पूरी साथ जो पूरी उनकी टीम थी उनके बारे में बताया गया कि पूरा चाइनीज से यहाँ तक आ गए थे। और जो उनका मोटिव था ना एक्चुअल में वो था चुसुल क्लास में पढ़ा था, उसका अभी पता नहीं था, उसको कैप्चर करना था चाइनीज आर्मी को। लेकिन मेजर शैतान सिंह की जो टीम थी वो थे, उन्होंने जो अपना यहाँ पर डिफेंस किया और चाइनीज़ को जो है परेशान करके रख दिया था भाई साहब, उसके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। अगर आप पेंगोंग आ रहे हो और आपका प्लान नहीं है हनलेक तक जाने का, लेकिन तो आप ना बस एक बार ना यहाँ पर जरूर आना, यहाँ से भले ही वापस चले जाना, आप ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आपको आने थोड़ा सा आपको आगे आना पड़ेगा, लेकिन आपको जो चीज़ यहाँ पर जो देखने को मिलेगी, जो समझने को मिलेगी ना, वो आपको ना लगेगा कि हाँ यार अपनी इंडियन आर्मी कितनी मजबूत है कि इतनी बड़ी फौज थी चाइनीज़ की, उसको रगड़ कर रख दिया पीछे की तरफ, निकलो यहाँ से। तो बनता है भाई यहाँ पर आना एक बार। भाई यहाँ पर थोड़ा सा रोड का कन्फ्यूज़न है क्योंकि कच्चा रोड है यहाँ पर टोटल, तो कभी वहाँ से एक रोड जा रहा है, यहाँ से भी एक रोड जा रहा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पर दूर दूर तक यहाँ पर ना, बस यही है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मौसम खराब होते हुए, भयंकर मौसम हो रहा है यहाँ पर। तो क्या बोला था, मौसम खराब हो रहा है, पानी पड़ गया भाई साहब, मस्त लग रहा है भाई साहब, मस्त। हर धूल उड़ रही है, मैं आपको बाहर से दिखा सकता था लेकिन धूल उड़ रही है ना तो सफेदी छा जाएगी हमारे ऊपर। इन बंजर पहाड़ों के अंदर एक ग्रीनरी देखी यहाँ पे आकर के भाई, अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। क्या हमें जाना है हिलने यहाँ पर न्यूमा, इधर सिर्फ बाद में फिर कल इधर से जाना है। हाँ इधर जाना है हमें न्यूमा की तरफ कल, आज यहाँ पे एंट्री मैं जो है पूरी एंट्री करी है यहाँ पे, 40 नंबर हमें याद रखना है हमें, ठीक है। क्या 40 नंबर? 40 नंबर याद रखना है, यहाँ पे एग्जिट करना होगा, आएंगे यहाँ से अपन लोग। यहाँ पे भी एंट्री हुई है, 40 पूरा पास और सारी चीज चेक होती है यहाँ पर। और ये चौराया है आपका, यहाँ से इस साइड हो जाएंगे सीधा तो न्यूमा, और फिर वहाँ से मनाली के निकल जाएंगे। इधर से तो अपन आ ही रहे हैं पेंगोंग से, बाकी इधर अपना हल्ले और उमरिंगला, ये यहाँ से सिंगल सा पुल है, अभी यहाँ काम चल रहा है बगल वाले। यहाँ पे एक जेसीबी जो है डूबी पड़ी है इस नदी के अंदर। डूबी पड़ी है, जेसीबी है इसके अंदर। अच्छा, ये पड़ा है बारिश का हाथ, हाथ देखा तो उसका पीछे हाथ पड़ा हुआ है इसका। तो भाई फाइनल एक रोड बढ़िया आई है यहाँ से, अभी हल्ले अपना 50 दिखा रहा है, और हमें जाना है उमरिंगला वो है भाई 140 यहाँ से अभी, यानी कि समथिंग 90 किलोमीटर हमें हल्ले के बाद भी जाना पड़ेगा उमरिंगला के लिए कल, है ना। तो काफ़ी भाई दूर है कल का मैटर, मैं सोचा आज ही चले जाएंगे लेकिन बहुत दूर है भाई, और 100 किलोमीटर पहाड़ों के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कर ली थी हमने अब तक हल्ले के लिए रोड की, लेकिन यार यहाँ पर ना बीआरओ को सैल्यूट देना पड़ेगा, तारीफ बनती है बीआरओ की, जो ये रोड है ना यार भाई, जहाँ से हमने एंट्री करी थी ना जो पोस्ट पड़ा था उसके पास से ये 50 किलोमीटर कुछ पड़ता है ना हल्ले, ये रोड चल रही है एकदम मक्खन है यार। अपन लोग आ गए यहाँ पर, ये अपना हल्ले है, देखते भी आगे भी सेंटर है काफ़ी सारे हैं, 118 कुछ है यहाँ पर, ये अपना है हल्ले और बहुत तेज चल रहा है। यहाँ पे बना सकते वीडियो वगैरह, एक बार कर लेते हैं अंदर चलना है, ये बहुत तेज चल रही है पहाड़ में आने को। पूरा ना खुले एरिया के अंदर चारों तरफ इसके पहाड़, वैली है ना, वैली है पूरी। नेटवर्क का ये सीन है कि भाई देखो जियो तो पड़ा है बंद, इमरजेंसी ओनली एयरटेल यहाँ पे भी काम कर रहा है। पेंगोंग में आ रहे थे नेटवर्क, जियो के थोड़े कम थे, एयरटेल इज गुड हेयर इन दिस रीजन। वो अच्छा उस पर तो इधर ही तो बने हुए भाई, वो क्या लग रहा है यहाँ पे देखना साइड में, वो साइड मनाली वाले हो गए हैं। वाओ, नहीं मनाली तो उधर ही है। नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि यही मनाली है भाई। तो भाई यहाँ पर आ गए, यहाँ पे ना बीआरओ के गेस्ट हाउस हैं, पीछे की तरफ हमें हमारा जो है यहाँ पर गाड़ी यहाँ पे पार्क करी हमने, अपना है उमरिंगला हट,
अंदर दिखाते हैं आपको, वहाँ पे देख रहे हो सामने क्या नज़ारा है इस समय यार, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। तो आ जाओ आपको ना मैं अंदर से दिखाता हूँ, अपना जो गेस्ट हाउस है हमारा वो कुछ ये है भाई, यहाँ पे बैठने करने के लिए डाइनिंग टेबल वगैरह लगी हुई है और हीटर भी है भाई यहाँ पर, बाकी अपना यहाँ पर ये बेडरूम हो गया। ओहो हो वाह, यहाँ पर मज़ेदार है। वॉशरूम में क्या सीन है भाई, वॉशरूम इज गुड गुड। ये हो गया भैया अपना गेस्ट हाउस आज हलने के लिए, इसमें आज हम स्टे करेंगे, कल यहाँ से हम निकल जाएंगे अपना उमलिंगला। पता करते हैं कौन सा रूट बेटर है, यहाँ से तीन रूट जाते हैं, एक फोटिला होते हुए जो कि यहाँ से सीधा ही रास्ता अभी यहाँ से जा रहा है, एक रास्ता होगा दूसरी तरफ से, पता कर लेंगे जो बेटर रूट होगा ना हम उसको करेंगे कल। देखो फिर से उड़ गए हम, थोड़ी देर रेस्ट किया है और अब जा रहे हैं भाई साहब, खूब गाड़ी चलाई पूरे दिन और मन था कि ऑब्जर्वेटरी सेंटर चलना है, फोटो नहीं आएंगे फिर अदरवाइज, रात हो गई तो। बाकी सनसेट का टाइम हो गया, 6 बज चुके हैं, 5 मिनट अभी चले गए हैं, सामने क्या नज़ारा है भाई साहब, गजब। तो हम अभी हम हल्ले में आ गए, ये है हल्ले मेन, अब हमें जाना है ऊपर की तरफ, वो टॉप पर पहाड़ के ऊपर दिखा रहा है, वहाँ पर सनसेट होता जा रहा है। तो अभी अपन यहाँ पे हैं, सारे होटल वाली व्यवस्था, अपन अपना जो गेस्ट हाउस है ना अपना, वो थोड़ा सा इससे पीछे है। तो भाई अभी यहाँ पे हम जा रहे थे ना, तो रास्ता अभी बंद हो चुका है, बंद कर दिया है, 5:30 बजे के आसपास बंद हो जाता है वो। तो अब फिर क्या, कुछ नहीं है, वापस जा रहे हैं भैया, अब कल तो अपना उमलिंगला घूमेंगे, फिर वापस लौट करके यहाँ पर लौटते हुए देखेंगे इसको। 9 बजे ओपन होता है और 5:30 बजे तक लास्ट, कोई नहीं चलो।